हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। सैमसंग M30 आज इसका हम फोल्डर चेंज करके दिखाएंगे कैसे होता है। तो भाई, पहले इसका फोल्डर चेंज करने के लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। तो पहले हम इसका सिम आउटर निकालते हैं, उसके बाद इसका बैक पैनल निकालेंगे। यहाँ से हम एक ओपनर लगाएंगे, देखिए, उसके बाद धीरे धीरे अंदर की तरफ लगा के दबाते जाएंगे और बैक पैनल आराम से खुलता जाएगा। जल्दबाजी ना करें, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो इसकी धीरे धीरे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। देखिए, अभी बड़ी आसानी से ये खोल देंगे इसको हम। देखिए, बैक पैनल खुल गया है। उसके बाद हम स्क्रू को खोलेंगे, सारे स्क्रू खोल लेंगे, एक भी छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। अभी देखिए, हम स्क्रू खोल रहे हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं आपको। जब तक स्क्रू खोलना है तब तक लाइक तो कर दो यार, और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लो ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए फिर, ये देखिए यहाँ पर फिंगर है, इसको पहले निकाल देंगे आराम से हल्के हाथ से। उसके बाद ऊपर का पैनल खोलेंगे, देखिए खुल गया। उसके बाद नीचे वाला भी पैनल खोल देंगे आराम से, ये भी खुल गया। उसके बाद डिस्प्ले का कनेक्टर हटा देंगे, देखिए मैं हटा रहा हूँ, आराम से आपको करना है, जल्दबाजी ना करें कोई भी। चलिए दोस्तों, नया फोल्डर आ चुका है, उसको हम पहले टेस्ट करेंगे उसके बाद फिट करेंगे। देखिए डिस्प्ले का पत्ता है, डिस्प्ले को हटा दें, इसको आराम से लगाइए और इसका कोई जल्दीबाजी नहीं, ये नॉर्मली फिट हो जाता है। देखिए देखिए, कनेक्टर लग गया है। अब इसको हम पावर ऑन करेंगे और टेस्ट करेंगे, टच वगैरह सब चेक करेंगे उसके बाद फिट करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। अभी देखिए लाइट आया, ऑन हो गया है, पूरा ऑन हो जाएगा, उसके बाद हम चेक करते हैं फिर बताते हैं। अभी देखिए ऑन हो गया है, अब इसका टच हो जाएगा, चेक करेंगे उसके बाद। देखिए तो इसके चिपकाने के लिए हम T7000 का यूज़ करेंगे। तो देखिए, ऐसे ही बॉर्डर पे लगा देना है, बिल्कुल भी बीच में नहीं आना चाहिए अन्यथा फोल्डर ख़राब हो जाएगा। उसके बाद देखिए फोल्डर को इसका पत्ता ठीक करके उसके बाद लगाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, जल्दबाजी नहीं। पहले नीचे का साइड में बैठा लेंगे, उसके बाद देखिए ऊपर के साइड में दबाएंगे। उसके बाद पीछे के साइड में उसका कनेक्टर लगाएंगे, देखिए ये डिस्प्ले कनेक्टर है, इसको लगा देंगे। उसके बाद बैटरी कनेक्टर लगा के फ़ोन को ऑन करेंगे ताकि कोई गड़बड़ हो तो दिखे। ये दोस्तों फ़ोन ऑन कर रहे हैं, ऑन हो गया है। अब इस पर हम आहिस्ता आहिस्ता रबड़ लगा देंगे, दबा के नहीं लगाएंगे अन्यथा फोल्डर ख़राब हो सकता है। जितना हो सके उतना ही हल्के में ही लगाएं रबड़, ज़्यादा दबा के ना लगाएं अन्यथा फोल्डर ख़राब हो जाएगा। देखिए, अभी हमने देखा सैमसंग A30 का फोल्डर लगाए थे,